आजाद नाम है मेरा, मैं करता नहीं चूक बंदूक से, तू तो उड़ जाएगा ए फिरंगी बस मेरी एक फूंक से। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आदित्य यादव और आज हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। किसके बारे में? चंद्रशेखर आजाद के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो महात्मा गांधी, भगत सिंह के बाद नाम आता है किसका? चंद्रशेखर आजाद का। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो इनका रियल नेम यानी कि वास्तविक नाम या फिर मूल नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। क्या नाम था? चंद्रशेखर तिवारी नाम था, ठीक। उसके बाद अगर बात करें इनका निक नेम यानी कि इनका घर का नाम या फिर एक बात कर सकते हैं कि उनका लोग क्या नाम लेकर के बुलाते थे? आजाद। क्या नाम बुलाते थे? आजाद। वो कहते थे कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, मुझे कोई भी क्या, मुझे कोई भी फिरंगी कभी पकड़ नहीं सकता, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई भी फिरंगी मुझे पकड़ नहीं सकता है। ये किसके शब्द थे? चंद्रशेखर आजाद के शब्द थे। अगर बात करें इनके जन्म की यानी ये कब पैदा हुए थे, इनका बॉर्न कब हुआ था, तो ये बॉर्न हुए थे 23 जुलाई 1906 को, यानी कि 23 जुलाई 1906 को। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? भौरा नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर? भौरा नामक या फिर भावरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो उसके बाद अगर बात करें इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 फरवरी 1931 यानी 27/2/1931 को इनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक। अगर हम लोग बात करें इसकी मृत्यु का कारण, मृत्यु कारण हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तब तक बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी प्रयागराज, प्रयागराज में। प्रयागराज में एक पार्क का नाम था, क्या नाम था? अल्फ्रेड पार्क। क्या नाम था? अल्फ्रेड पार्क। वहां पर इन्होंने अपनी ही गोली से क्या कर ली थी? अपनी मौत कर ली थी। अपने गोली से क्या कर लिया था? अपने आप को वीर गति प्राप्त करवाया था। अगर बात करें इस अल्फ्रेड नाम पार्क, जो अल्फ्रेड पार्क है इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद पार्क। किस नाम से जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद के नाम से, चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से अल्फ्रेड पार्क अब इस समय जाना जाता है, जो कहां पर है? प्रयागराज में, ठीक। उसके बाद बात करें अगर इनके माता पिता के बारे में, तो इनके फादर का नाम था यानी कि इनके पापा का नाम था सीताराम तिवारी। क्या नाम था? सीताराम तिवारी। किसका नाम था? चंद्रशेखर आजाद के पापा का। उसके बाद अगर बात करें इनके मदर का यानी कि चंद्रशेखर आजाद की माता, क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था जगरानी देवी। क्या नाम था? जगरानी देवी, ठीक। उसके बाद अगर बात करें ये किसके पावरफुल लीडर थे यानी फिर मेन लीडर यानी प्रमुख नेता कहाँ के थे, तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ये क्या थी? एक एसोसिएशन, या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है आर्मी ना करके यहाँ पर एसोसिएशन लिख सकते हैं, एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यहाँ के ये क्या थे? मेन लीडर थे। ये क्या था? एक कमेटी थी या फिर एक संस्था थी, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, हमने कहा था कि इनकी मृत्यु का कारण हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तो इनकी मृत्यु क्या हुई थी? देखिए, हमारे इंडिया में क्या हुआ था, जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था 19वीं सदी में, तो वहां पर ब्रिटिश ने कहा कि हम आपकी कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए साइमन कमीशन लाएंगे। क्या लाएंगे? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, ठीक। साइमन कमीशन लाएंगे जिसमें आपको क्या होगी? मदद मिलेगी। लेकिन ये इंडियन को ये बात पसंद नहीं आई। इंडियन ने कहा नहीं, उन्होंने कहा हम अपने आप में सक्षम हैं, आपके आपके इतने क्या कहते हैं, आपके एहसान के लिए शुक्रिया, ठीक। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई साइमन कमीशन नहीं चाहिए। तो जिस दिन साइमन कमीशन आ रहा था उस दिन क्या हुआ? रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ? साइमन गो बैक के नारे सब लोग लगा रहे थे। साइमन गो बैक के नारे लगाया जा रहा था, ठीक। यहां तक आपको बात समझ में? अब आता है कहानी में ट्विस्ट। क्या आता है? एक लीडर थे हमारे बहुत अच्छे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक को क्या हुई वहां पर, लाठी से उनकी मृत्यु हो गई, लाठी उनके ऊपर चल गई थी जिसकी वजह से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक का वीडियो इसके बाद हम लोग बनाएंगे, उसमें आप लोग इसकी पूरी जानकारी देखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक की वहां पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, अब हुआ क्या देखिए, सबसे पहले राजगुरु और सुखदेव से पहले उसके बाद भगत के ऊपर काफी हमला किया, उनके ऊपर काफी हमला किया, उसके बाद क्या हुआ चंद्रशेखर आजाद ने कहा, चंद्रशेखर आजाद मैं मरूंगा कि अगर मैं मरूंगा मरूंगा और नहीं कोई मरूंगा और नहीं कोई भी मुझे, जिसके वजह से वो क्या हुए, इसके वजह से वो क्या हुए, अल्फ्रेड कहाँ भाग गए, अल्फ्रेड कहाँ भाग गए, और वो भागने वाले नहीं, और वो भागने वाले नहीं, कोई रणनीति करते वहां पर, कोई फिर लौट करते और फिर लौट हुए, लेकिन वहां पर भाग गए अल्फ्रेड। अब हुआ क्या कि घर का बेटी कट है, कि घर का बेटी कट है, चंद्रशेखर आजाद के दोस्त ने, बता दिया छुपे हुए हैं अल्फ्रेड में, कहाँ पर छुपे हुए हैं अल्फ्रेड, कहाँ पर छुपे हुए हैं अल्फ्रेड, सेना ब्रिटिश गई अल्फ्रेड, सेना कहाँ पहुंच गई, उन्होंने कई सारे लोगों ने कई सारे लोगों के अल्फ्रेड गोलियां चलाई, जो अल्फ्रेड जो लीड कर रहा था, जो वहां का लीड कर रहा था, उन्होंने आर्मी को काफी जर्मनी किया, उसके बाद जा कर जब उसके बाद गोली चलने वाली, जब उनके ऊपर गोली लास्ट गोली उनके गोली ऊपर लगा करके अपने ऊपर लगा अपने मतलब गोली फोटो भी काफी बार देखा होगा, फोटो भी काफी बार देखा होगा, वहां पर शेखर आजाद का वहां अपने ही ऊपर गोली चला दी, अपने ही पर गोली लास्ट गोली कहा अपने लास्ट गोली, क्यों क्योंकि मैं क्यों ब्रिटिश के हाथ से, ब्रिटिश के हाथ नहीं मरना, ब्रिटिश की गोली से नहीं मरना, खुद की गोली से, मैं अपनी खुद की गोली से। तो ऐसे आजाद अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए और दोस्तों शेयर करिए अपने दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए।